प्रवीण भैया ऐसे ही अजय त्रिवेद आपने मतलब ले जाते हुए देखा होगा है ना। हाँ हाँ बांध रहे थे वहाँ खड़े होके। तो आपको बता दें थोड़ी देर पहले जो सुखदेव नगर में मर्डर हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले पानीपत पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची है। आप ने क्या देखा जब यहाँ से? मैं इन सार बाजार से आ रहा था तो वहाँ 10-15 लड़के थे, उनके हाथों में एक बोरी थी, बोरी में से वो हथियार खतरनाक हथियार जो वो साइकिल की गरारी है वो लगी हुई थी, उनको बांध रहे थे। और उसमें से एक लड़का जो बोरी पकड़ रहा था वो ये कह रहा था बोले कट्टे ले लिया सबने, तो दो या हाथ उठाए तो इतना भाग गया, पब्लिक में भगदड़ मच गई थी। 15-20 लड़के इधर 15-20 उधर, तो इतने में एक लेडीज बदहवास भाग रही थी अपनी बेटी को लेके, अगर बेटी चलो यहाँ 15 दिन हो गए लगातार प्लान बनते ये डेली आते हैं यहाँ 50-50 लड़के, अरे आम बोरी में तक गंडासी तलवार और बांट रहे थे। तो प्लेसमेंट एजेंसी में बैठे होते आते जाते थे यहाँ से, ये कह रहे हैं वो लेकर गए हम ना, तो कोई किरादार की जात होती कोई ये क्या कह रहा है रहे हैं कैफे तड़के आने शुरू हो जाए हैं, डर लग गया कि हम भी किसी लड़की के बाप हैं। ये देखो कितने CCTV लगवा रखे इनके लिए सारे समय की आ जाए, वो देखो पीछे बेल भी लगवा ली हमने क्यों करे पेंडा छूट जा। अगर जो किसी को ये भी कह देना कि जी आप ये देखो इसकी मोटरसाइकिल है, इस पर कोई नंबर नहीं है, आप इसने उठा लो देख लो, अब चाचा तो ने क्यों कह दी, यानी कि मैं गुनहगार हो गया। तो CCTV कैमरे में फिर अप हो गया होगा सारा कुछ, सारा कुछ दूर की दूर है जी, CCTV चेक कर लो। इन्हीं की वजह से लगवा रखे है, सवेरे आने शुरू हो जाते हैं 9:30 और टिल इवनिंग शाम शराब वाले आ जाए। आपको क्या लगता है जो आपने देखे हैं लड़के वो रोज यहाँ पे आते जाते हैं कि आज ही देखे थे आपने? आज वो आज देखे हैं उस टाइम मौके पे वो थी वो पहली बार, लेकिन 2 दिन हुए इनकी सरगर्मियाँ चल रही थी, अख्तर ने देखा वो एक एक लड़का सबका है कुलवंत जी, मरने वाला भी अकेला और मरने वाला भी अकेला, मर तो वो माँ बाप गए जिन्हें कुछ पता ही नहीं जिनके लिए वो लड़के यहाँ पढ़ने आए हुए हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में सवेरे बियर पीवे हैं सिगरेट पीवे हैं और दौड़ जाए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, पुलिस अब मौके पर पहुंची है, एक्टिव हुई है पुलिस, लाइव कवरेज जैसे ही पुलिस को पता लगा कि लाइव कवरेज चल रही है उसी दौरान पुलिस जो है एक्टिव होना शुरू हो गई। तो SHO जो है मौके पर पहुंचे हुए हैं, जानते हो तो ये CCTV फुटेज यहाँ पर भी देखी जा रही है, DSP को बता दिया गया है, DSP भी अभी थोड़ी देर बाद मौके पर पहुँचेंगे। तो पुलिस की टीमें जो है अब अलर्ट कर दी गई है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऊपर जो प्लेसमेंट एजेंसी है वहाँ पर वो युवक आते जाते थे, तो एक मिनट देखने की कोशिश करेंगे कि प्लेसमेंट एजेंसी अभी खुली हुई है या नहीं, बाकी CCTV कैमरे यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो यहीं से बताया जा रहा है कि वो हमलावर जो थे आए हैं और प्लेसमेंट एजेंसियाँ यहाँ पर चल रही हैं, एक यहाँ पर जो है लॉक लगा हुआ है और एक दुकान यहाँ पर है वो भी लॉक लगा हुआ है, एक प्लेसमेंट एजेंसी जो है ऊपर भी बताई जा रही है। तो यहाँ पर आसपास में कई प्लेसमेंट एजेंसियाँ जो है चल रही हैं, जैसा कि अभी प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे कि ऊपर में यहाँ से ही ये बोरे में भरकर हथियार ले गए थे। कौन है जी यहाँ पर ओनर? ओनर कौन है यहाँ पे? नीचे है कोई आया था यहाँ पे, कुछ लड़के जो बता रहे हैं ऊपर से हथियार ले गए थे। क्या सर? हथियार ले गए सर, मतलब हम तो वैकेंसी वगैरह बता रहे थे ना यहाँ पे, इधर ही इकट्ठे हो गए आए थे कोई, मतलब हमने मतलब इतना वो नहीं किया, दो लड़के बैठे हुए थे तो हम उनको वैकेंसी वगैरह बता रहे थे, तो फिर एकदम गए ना वो भाग के। तो क्या यहीं पे इकट्ठे हुए थे सारे?
मतलब इधर से ही सर हम दो वैकेंसी में मतलब बीजी थे सर, हम दो मतलब दो कैंडिडेट आए थे। हाँ तो झगड़े कुछ बंदे आए थे यहाँ तक, यहाँ से आके भागे थे। अच्छा आए थे कुछ बंदे यहाँ तक, देखो एकदम धोपे धमके धमके से कुछ लड़के भागे भागे आए आए यहाँ, पता नहीं क्या कुछ सामान पड़ा था यहाँ नीचे से उठा के उधर भागे थे। ये सामान पहले पड़ा हुआ था यहाँ? नहीं ये मैंने देखा नहीं सर। आप आए थे बाद में आए थे? नहीं सर मैं वॉशरूम गया हुआ था। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ जी कितने लोग थे ये नहीं पता सर, हमारे मतलब इधर से ही पता चल हमारी एकेडमी है ना अंदर। अच्छा तो जैसे ही भीड़ इकट्ठी हो रखी थी ना, निकल के बाहर आए हमने देखा क्या हुआ, तो कुछ बंदे भागते से दिखे उधर से। अच्छा सीधे हाँ। अच्छा अच्छा ये था सर बस। तो आपकी एजेंसी कितना टाइम से चला रहे हैं आप? ये लगभग लगभग 7-8 साल हो गए सर। पहले देखे हैं लड़के कभी वो यहाँ पर देखे कभी आपने? हाँ हमें तो सर होते ही नहीं ना, हमने यहाँ करीबन 5-6 महीने पहले लिया है। हाँ। हमारी पहले डॉक्टर धवन के सामने थी। हाँ। तो ये कौन थे कहाँ थे कौन गया वो दिखा नहीं पता ना हमारे को। हाँ। क्या नाम है आपका? पवन। तो ये पवन हथियार इन्होंने यहाँ पर छुपाए, प्लेसमेंट एजेंसी मालिक है वो यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए थे भागते हुए, उन्होंने ज़रूर देखा है कौन है वो लोग। अभी तक किसी प्रकार की सूचना जो है अभी हाथ नहीं लगी, मरने वाला कौन था अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं पता लग पाई। अभी मारने वाले जो है कौन के बताए जा रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई, जब तक पुलिस उन्हें पकड़ नहीं लेती। लेकिन आसपास के CCTV फुटेज जरूर है खंगाले जा रहे हैं, आप इस साइड देख सकते हैं काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है। इस साइड से जो है हथियारे भाग कर गए थे और तेजधार हथियार जो है उनके हाथ में थे और हथियार लेकर भाग गए। तो पुलिस आप अगर जो देख सकते हो पुलिस मौके पर वहां पर सारी जानकारी जुटा रही है। तो हम लोग पुलिस का वर्जन भी बताने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले की ये घटना जो है बताई जा रही है जितेंद्र अस्पताल के सामने, अभी युवक का मर्डर हुआ है। युवक कौन है अभी तक इस बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाई। तो पुलिस मौके पर है, इलाके में सनसनी का जरूर माहौल जो है बताया जा रहा है। जितेंद्र अस्पताल के सामने से आप ये लाइव कवरेज देख रहे थे, जैसे युवक की हत्या जो है थोड़ी देर पहले हुई है। पुलिस के बड़े अधिकारी अब पहुंचना शुरू हुए हैं, लाइव कवरेज में आप देख रहे हैं। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। तो ये पुलिस के कर्मचारी अभी मौके पर पहुंचे हैं, सारी छानबीन की जा रही है पुलिस की तरफ से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव कवरेज को शेयर जरूर करें। पानीपत में दिन दिहाड़े 20-22 साल के युवक की हत्या की गई है। तो जितेंद्र अस्पताल के सामने इस युवक का घोपा गया है। ये प्रत्यक्षदर्शी मौके पर थे, ये सारी जानकारी देने में जुटे हैं। किसने तो बनाई है ये कड़े तुम तो दी है। तो आपको फिर से बता दें कि जितेंद्र अस्पताल के सामने अभी थोड़ी देर पहले 20-22 वर्षीय युवक की से कुछ युवक बोरे में हथियार लेकर भागे हैं। इस साइड से वो भागते हुए नजर आए हैं जैसा कि बताया जा रहा है। और जितेंद्र अस्पताल के सामने एक युवक खड़ा था, उसमें पहले दिल छाती पे मारा, फिर पीछे जो है सुहा घोपा गया। युवक अस्पताल से पहुंचने से पहले उसकी हत्या हो गई है। युवक कौन था अभी तक कंफर्मेशन किसी चीज़ की नहीं आई, लेकिन ये जरूर बता दें कि सामने दो थाने पड़ते हैं और जैसे प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे कि उनका रोज़ का काम जो है यहाँ पर आना जाना है, रोज़ गुंडागर्दी यहाँ पर होती है। इसके बावजूद पुलिस विभाग सतर्क नहीं था, तो आज इस घटना को अंजाम दे दिया गया। तो इस साइड भी जो है CCTV फुटेज पानीपत पुलिस खंगालने में जुटी है। पल पल की अपडेट जो है पुलिस लेने में जुटी हुई है। पुलिस कटिंग करवाने के लिए आया था यहाँ, तो किस कहाँ आया था यहाँ पता नहीं किस तरीके आया हो। तो आपको कैसे जानकारी मिली? हमें तो फोन पर सूचना गई है, उनके साथिया ने फोन किया कि भाई इस तरह उसका चोट लगी, चोट लगने का ही पता था। तो युवक का कुछ पता चल पाया युवक कहाँ के थे? ना कोई पता नहीं चल पाया। आपका क्या लगता था जी? बनजा सर। बनजा था, कौन सी क्लास में पढ़ता था? ये 10th का कंपार्टमेंट आ गई थी, 11वीं क्लास में था। तो आज यहीं हुआ था ना? शहर आया हुआ था? यहीं रहता है जट रोड पर, मुख्य जगलवनी में रहते थे। अच्छा, क्या नाम था उसका और कौन सा गाँव, कौन सा उनका गाँव? कड़ुआ है।
जींद में पड़ता कालवा गाँव किलोखेड़े के पास। तो बच्चे ने कभी बताया कि ऐसे घर पे कोई लड़ाई झगड़ा? ना ना, ऐसे कोई लड़ाई झगड़े पहले कोई बात नहीं थी। जी जी, पहले कभी किसी से झगड़ा नहीं था, कोई बात नहीं थी, ना कोई काम था यहाँ पे उसका। कैसे आया, क्यों आया पता नहीं, हमारे को तो अभी चोट का ही पता लग गया था। आग में चोट लगी और कुछ पैसा मालूम नहीं था कि भाई कुछ मतलब हो लिया, चोट की बताई गया, आने के बाद पता लग गया। फ्री था वो, दसवीं पास आउट करके? हाँ, अभी कंपार्टमेंट का पेपर था ना, तो ये प्लस वन में था वो, साथ में कंपार्टमेंट का रिजल्ट आ रहा जनवरी में। कितने साल का था बच्चा? वो 17वें साल में। क्या नाम था? सागर। 17वें साल का। ये युवक के मामा है मृतक के, 17 साल का जो है, इन्होंने पुष्टि की है 17 साल का ये युवक था। तो जाटन रोड का रहने वाला था, जैसा कि बताया जा रहा है युवक के बारे में पता लग गया है, दसवीं में कंपार्टमेंट आई थी। तो वो युवक कैसे यहाँ पर पहुँचा, अभी इस बात की छानबीन होना बाकी है, लेकिन पुलिस के अधिकारी जो है लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले में जुटे हुए हैं। आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, आपको पल पल की अपडेट जो है हम लोग देते रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये है कि युवक जो है जाटन रोड का रहने वाला है, दसवीं में कंपार्टमेंट आई थी, यहाँ पर आया हुआ था, किस काम से आया था, अभी तक किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाई। तो जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, हम लोग पल पल की अपडेट जो आप लोगों को देते रहेंगे। अभी मौके पर पुलिस की टीमें जो है तैनात कर दी गई हैं। तो अभी युवक के मामा जो हैं उन्होंने पुष्टि किया कि युवक की उम्र जो है 17 साल बताई जा रही है। तो इलाके में सनसनी का माहौल, जैसे ही लोगों को लाइव कवरेज के माध्यम से पता चल रहा है, लोग यहां पर जुटे हैं। अभी पुलिस के अधिकारी सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटे हुए हैं। तो जैसे ही कोई इस मामले में बड़ी अपडेट आती है, हम लोग दोबारा लाइव होंगे आपके सामने। तो अभी आपको बता दें फिर से कि जितेंद्र अस्पताल के सामने जिस युवक की हत्या की गई है, उसकी पहचान हो गई है, पानीपत के जाटल रोड का रहने वाला है, और 17 साल उम्र उसकी जो है परिवार वाले बता रहे हैं। जैसा कि मृतक के मामा का कहना है कि दसवीं करने के बाद उसकी अपॉइंटमेंट थी और घर पर ही पेपर की तैयारी कर रहा था, यहाँ तक कैसे पहुँचा अभी इस बात को लेकर संशय बना हुआ है। आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, परिजन यहाँ पर मौके पर जुटना शुरू हो गए हैं। तो पल पल की अपडेट जो है वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे।